नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वज्रपात के पीछे फिजिक्स किस प्रकार वर्क करती है, बादल में चार्ज कैसे जनरेट होता है और वो चार्ज अर्थ तक कैसे ट्रेवल हो सकता है, कैसे लाइटनिंग से बचा जा सकता है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्लाउड्स में चार्ज कैसे जनरेट होता है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो उस कारण इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं और चार्ज जनरेट होता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स छोड़ कर जाते हैं उस पार्टिकल से, उसमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं उस पार्टिकल में निगेटिव चार्ज जनरेट होता है। चूँकि निगेटिव चार्ज जनरेट होने में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, इसलिए उनका मास बढ़ जाता है और वो क्लाउड्स के नीचे के पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं कि निगेटिव चार्ज जो है वो क्लाउड्स के नीचे वाले हिस्से में जमा होता है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले हिस्से में जमा होता है। और ग्राउंड पर जब हम लोग दौड़ते हैं या जब एयर फ्लो होता है तो उस कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और इसी कारण चार्ज इंटरैक्ट करता है ग्राउंड से। अब इंटरैक्शन ऑफ चार्जेज अमंग क्लाउड्स थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहला क्लाउड टू क्लाउड इंटरैक्शन। एक क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, दूसरे में निगेटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, तो उसमें इंटरैक्शन हो सकता है। क्लाउड टू ग्राउंड, जैसा कि मैंने बताया कि ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, तो क्लाउड और ग्राउंड में भी इंटरैक्शन हो सकता है। और तीसरा इंट्रा क्लाउड, यानी एक ही क्लाउड के अंदर कुछ पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हैं और कुछ पार्टिकल निगेटिवली चार्ज हैं, उसमें भी इंटरैक्शन हो सकता है। वज्रपात होता है क्लाउड टू ग्राउंड इंटरैक्शन के कारण। यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राउंड में किस तरह पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और किस तरह ये क्लाउड से ग्राउंड में चार्जेज इंटरैक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब लाइटनिंग होता है तो सबसे पहले हमें लाइट दिखाई देती है, उसके कुछ देर बाद हमें साउंड सुनाई देता है। तो इसका बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइटनिंग पहले दिखाई देता है और थंडरिंग हमें बाद में सुनाई देता है। देर आर सम डाटा फॉर लाइटनिंग। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल जनरेटेड ड्यूरिंग लाइटनिंग इज 10 crore वोल्ट विच इज 100 megavolt। द करेंट जनरेटेड इज 10,000 एम्पीयर और हीट जनरेट होता है 27,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि सन के सरफेस टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन इसमें एक रिलीफ की बात यह है कि ये सिर्फ 0.0005 सेकेंड के लिए होता है, इस कारण ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हाउ टू बी सेफ फ्रॉम लाइटनिंग। इससे पहले हम ये बात करते हैं कि चार्ज जो है एयर के थ्रू ट्रेवल कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि एयर एक इंसुलेटर है, लेकिन कोई भी एयर पूरी तरह से इंसुलेटर भी नहीं है। इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हालांकि बहुत कम अमाउंट में। जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो वहाँ पर चार्जेस एयर के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, और ऐसा ही होता है लाइटनिंग के केस में। अब हम देखते हैं हाउ टू बी सेफ फ्रॉम लाइटनिंग और कंडक्टर का क्या रोल है हमें लाइटनिंग से बचाने में। तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंडक्टर में इंटर नहीं करता है, और कंडक्टर जो है आउटर वर्ल्ड से हमें शील्ड कर देता है एक तरह से, और कंडक्टर के सरफेस पर ही पोटेंशियल स्प्रेड हो जाता है। और जब हम कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, वो सारा पोटेंशियल अर्थ में चला जाता है। इसी प्रिंसिपल पर हमारा हाउस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग और थंडरिंग के दौरान। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें लाइटनिंग और थंडरिंग के दौरान घर में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर लाइटनिंग के दौरान एरोप्लेन अगर फ्लाई कर रहा हो तो वो भी इसी कारण बचता है, क्योंकि एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वो कंडक्टर होता है और उस पर चार्ज स्प्रेड हो जाते हैं। अगर हम कार में हैं तो कार से भी हमें इसी प्रकार प्रोटेक्शन मिलती है, जो उसका मेटल बॉडी होता है वो कंडक्टिंग होता है और वो चार्ज को स्प्रेड कर लेता है। यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि लोग सोचते हैं कि रबड़ के टायर के वजह से कार जो है वो लाइटनिंग से सर्वाइव कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये मेटल बॉडी के कारण होता है। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और उन्होंने अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट केज बनाया हुआ था कुछ इस तरह का। वो कंडक्टिंग बॉडी था और इसके कारण उनको शॉक नहीं लगता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम घर में ना हो, बाहर फील्ड में हो, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें घबराना नहीं है और हमें दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ने से फ्रिक्शन के कारण चार्ज जनरेट हो सकते हैं और लाइटनिंग की संभावना बढ़ सकती है। हमें ना तो खड़ा होना चाहिए, ना ही ग्राउंड पर लेटना चाहिए। हमें उकड़ू बनकर ग्राउंड पर बैठ जाना चाहिए, कुछ इस तरह।
इससे क्या होता है कि लाइटनिंग का खतरा कम हो जाता है। प्लीज़ नोट दैट वी आर सेफ इनसाइड ए होलो कंडक्टर बट टचिंग ए कंडक्टर कैन बी फेटल। हमें मेटल के किसी भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर टच करते हैं तो उसके थ्रू पोटेंशियल हमारे बॉडी में भी आ सकता है और हमें शॉक लग सकता है। और लाइटनिंग के दौरान हमें मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे टावर से कनेक्टेड होते हैं सिग्नल्स के थ्रू और उनका यूज करना हमारे लिए घातक हो सकता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन यहाँ पर यह होता है कि क्या रबर शू हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है, तो इसका आंसर है नहीं, रबर शू हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है, उल्टे ये हमारे लिए और भी घातक हो सकता है, क्योंकि रबर शू जो होता है वो अर्थ के सरफेस से हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है, जिस कारण हमारा बॉडी का पोटेंशियल अर्थ में ट्रेवल नहीं हो पाता है। इसीलिए रबर शू हमें लाइटनिंग के दौरान नहीं पहनना चाहिए। और वाटर से जितना हो सके हमें दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वाटर एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और इसी कारण हमें शॉक लग सकता है। हमें पेड़ के नीचे नहीं होना चाहिए, किसी ऊंचे टावर के नज़दीक में या किसी हाई बिल्डिंग के नज़दीक में नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग ऑफ लाइटनिंग रॉड, जिसे हिंदी में तड़ित चालक कहते हैं, ये कैसे काम करता है। तो ये कॉपर का बना एक रॉड होता है जिसको हम बिल्डिंग के टावर के ऊपर लगाते हैं, और ये थिक वायर से कनेक्टेड होता है ग्राउंड में एक रॉड से, और इसका पर्पज होता है कि ये बहुत ही फास्ट पोटेंशियल को कैप्चर करता है और उसको अर्थ कर देता है, जिस कारण पोटेंशियल जीरो हो जाता है और किसी भी प्रकार का डैमेज होने से बच सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका डेफिनेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।